हेलो मैकेनिक दोस्तों, आज हमारे पास बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क BS6 FI वाली वेरिएंट है। सबसे पहले आपको प्रूफ दिखा दें, इस जगह पे इसका थ्रोटल बॉडी लगा हुआ और यहाँ पे इसका ABS वाला मोटर लगा हुआ। यह प्रूफ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आज मेरे पास गाड़ी आई है एक्सीडेंटल क्लेम होकर और गाड़ी में बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग का इशू है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ABS वाला रिंग दिखा दें, इस जगह पर आपको ABS का प्लेट और ये रिंग दिख पा रहा होगा जिसे JPD प्लेट बोलते हैं। और यहाँ पर ब्रेकिंग रिलेटेड देखिए, ये ब्रेकिंग एक जरा सा भी ब्रेकिंग इसका वर्क नहीं कर रहा और गाड़ी में जो ब्रेकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है आज गाड़ी में चौथा दिन है। चार दिनों से ब्रेकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम का सलूशन निकल नहीं पा रहा है, तो आज आपको एक एक स्टेप बताएंगे, तीन से चार स्टेप इसमें यूज करेंगे और प्रॉब्लम का सलूशन खत्म कर देंगे जड़ से। देखिए क्या क्या हम स्टेप यूज करते हैं, तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि पर इसी तरह से टेक्निकल और हेल्पफुल BS6 रिलेटेड वीडियो लाते रहें। पहले और अब की गाड़ियों में बहुत ज्यादा चेंजेस, जैसे यार पहले इस तरह से ABS मोटर ये सारे पाइपलाइन नहीं आते थे, बट अब बहुत ज्यादा चेंजेस हो चुका है। आपके पास इस तरह से ब्रेकिंग का प्रॉब्लम लेके आते हैं कस्टमर, तो किस तरह से सोल्यूशन निकालना है उसके बारे में कवर करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक एक स्टेप के बारे में बताते हैं कि ABS रिलेटेड प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालना है, चाहे वो कोई सी भी बाइक हो। तो मैकेनिक दोस्तों, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं वर्किंग के बारे में कि क्या है इसका वर्किंग का प्रॉपर तरीका, फिर बात करेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है और सोल्यूशन कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि पहले के नन ABS वाली बाइकों में अगर देखा जाए जिसमें डिस्क वाली वेरियंट थी, उसमें यहाँ पर ये देख पा रहे हैं ये इसका मास्टर सिलेंडर है। यहाँ पर मास्टर सिलेंडर से सिर्फ एक पाइपलाइन आता था जो कम्प्लीट हमारा अटैच था डिस्क के कैलिपर में, यानी इसमें कुछ वैसा प्रॉब्लम क्रिएट होने जैसा है था ही नहीं, सिर्फ एक पाइपलाइन था जिसमें ऑयल प्रेशर के द्वारा हमारा जो ब्रेक काम होता था। बट अब की गाड़ियों में क्या होगा, कंप्लीट चेंजेस कर दिया गया। यहाँ पे हमारा डिस्क का कैलिपर है और ये जो सॉरी मास्टर सिलेंडर है, और मास्टर सिलेंडर से जो पाइपलाइन आता है सबसे पहले आता है हमारा ABS वाले मोटर में। आप समझ रहे होंगे ABS का जो मोटर होता है वो दो भागों में बटा होता है, एक में हमारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है और दूसरे में हमारा ऑयल जो होता है ब्रेक ऑयल यहाँ पर लगा होता है। और यही यूनिट जो हमारी काम करती है 10 km/h के स्पीड से गाड़ी हमारी चलेगी जब ये काम करता है, तो इस वाले लाइन से हमारा फ्यूल आता है और दूसरा वाला जो लाइन हमारा जाता है डिस्क के कैलिपर में। ये इसका हो गया वर्किंग के प्रोसेस के बारे में। अब ये जो ब्रेकिंग का प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन कैसे निकालना उसके बारे में हम कवर करते हैं, और तीन से चार इंपॉर्टेंट स्टेप जो सिर्फ ABS की गाड़ियों में यूज होता है उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके जो यहाँ पे 14mm का बोल्ट है इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर से इससे ओपन करेंगे, 8mm के दो बोल्ट इसको ओपन करेंगे, ये जो मास्टर सिलेंडर किट है इसको बाहर लेंगे और इसी के अंदर कंप्लीट प्रक्रिया करेंगे, ऑयल को फिलअप करेंगे, दो तीन स्टेप यूज करेंगे, ब्रेकिंग का प्रॉब्लम सॉल्व। अभी देखें इस तरह से कंडीशन है ये देखिए, और बाद में क्या कंडीशन रहेगा वो आपको हम बताएंगे, एकदम कंफर्टेबल ब्रेकिंग करवाएंगे इसका। हम सारे चीज़ों को ओपन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले इस वाले बोल्ट को यहाँ से ओपन करेंगे फिर इसे, क्योंकि इसका जो MC किट होता है सबसे पहले उसे रिप्लेसमेंट करेंगे, क्योंकि तीन दिन ज़्यादातर जो यूज हुआ चार दिन गाड़ी में, तो हमें नहीं लगता कि अब इसका सोल्यूशन निकल पाएगा क्योंकि सारा जो स्टेप होगा यूज कर लिया गया होगा। तो सबसे पहले इसका MC किट रिप्लेसमेंट करेंगे जब ही आगे का प्रोसेस हो पाएगा, तो इसके लिए हमें ये सारा चीज़ ओपन करना पड़ेगा। तो इसके ब्रेक लीवर को सबसे पहले यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, तो इसका ब्रेक लीवर रिमूव हो चुका है। अब इसके जो सारे देखिए इसका जो MC किट इसके अंदर है, तो उसके लिए सारे ये जो हमारा मास्टर सिलेंडर का किट है इसे हम यहाँ से ओपन करेंगे। ये वाला पहले लूज करो, काफ़ी टाइट है, कंपनी फिटेड है, वो बोल्ट ओपन हो गया। अब इसके जो ऊपर 8mm के बोल्ट होते हैं इसे ओपन करेंगे, फर्स्ट टाइम खुल रहा है, गाड़ी हमारी कुछ ही किलोमीटर रन हुई है, BS6 वाली वेरिएंट है, आपको मैंने प्रूफ दिखाया थ्रोटल बॉडी और ABS वाला वर्जन है। तो ओपन करते हैं और एकदम इंटरेस्टिंग वाली वीडियो आप लोग को दिखाते हैं कि कैसे कैसे सारे स्टेप को यूज करना है, BS6 की गाड़ियों को कैसे रिपेयर करना है। तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखो यार, ताकि अपडेट वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए सारे बोल्ट को ओपन करते हैं और मेन टॉपिक को कवर करते हैं बिना कोई बकचोदी किए। तो देख पा रहे हैं इसे कंप्लीट ओपन कर चुके हैं, इसका एक इस जगह पे लॉक होता है जिसे हम लॉक प्लास की मदद से इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। कंप्लीट इसके कैलिपर ये जो मास्टर सिलेंडर को यहाँ से बाहर ले चुके हैं, तो इसको ओपन करते हैं। तो लॉक को इस तरह से प्रेस करके निकालना, थोड़ा सा टफ होता है बट ईजीली निकल आएगा ये।
तो देख पा रहे हैं ये एंड टाइम पे लॉक अटका हुआ है, लॉक कंप्लीट खुल गया है। अब इसके अंदर जो किट होता है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और यही चीज़ को पहले हम रिप्लेसमेंट करेंगे, फिर आगे का प्रोसेस हमें समझ में आएगा। हाथों पकड़ो। तो ये जो डिस्क के कैलिपर का लॉक देख पा रहे हैं कंप्लीट, और एमसी किट इसके कंप्लीट निकाल चुके हैं, सॉरी डिस्क कैलिपर बता रहे हैं मास्टर सिलेंडर का। तो ये हम किट पहले असेंबल करते हैं और इसके साथ एक स्प्रिंग भी आती है, तो इस दोनों को हम असेंबल करते हैं, फिर आपको इसके ब्रेकिंग का प्रोसेस आपको बताते हैं कैसे काम करना है। मैकेनिक दोस्तों देख पा रहे हैं इसका जो कलरफुल एमसी किट ले आ चुके हैं, अब इसको अनबॉक्स करते हैं और आपको हम कंपैरिजन दिखाते हैं क्या ख़राब होता है कैसे असेंबल करना। तो देख पा रहे हैं ये कंपनी फिटेड है, ये आफ्टर मार्केट उठाए हैं जो कलरफुल है, तो इसको चलिए असेंबल करते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों देख पा रहे हैं इसके एमसी किट को यहाँ पे असेंबल कर चुके हैं, अब इसको बॉडी में टाइट करते हैं, कंप्लीट आपको रिजल्ट दिखाते हैं, 100% ब्रेकिंग वर्क होगा। तो देख पा रहे हैं इसके कंप्लीट असेंबलिंग हो गई, अभी कुछ को बिना प्रेस किए सबसे पहले इसमें ऑयल का फिलअप करेंगे, फिर ब्रेकिंग का कंप्लीट जो प्रोसेस होता है यहाँ से हमारा स्टेप शुरू होता है, थोड़ा सा और फिलअप कर, यहाँ से स्टेप शुरू होता है 3 स्टेप और कंप्लीट हमारा जो ब्रेकिंग का प्रॉब्लम सॉल्व। तो देख पा रहे हैं कंप्लीट सारे चीज़ों को असेंबल कर दिया, अब इसका ब्रेकिंग प्रोसेस यूज करके दिखाते हैं। देख पा रहे हैं बबल्स कितने आ रहे हैं, यानी यही है ईयर इसका कंप्लीट, निकालते हैं इसके बबल्स को, उसके बाद आपको कंफर्टेबल और परफेक्ट ब्रेकिंग दिखाएंगे। मास्टर सिलेंडर ये जो एमसी किट चेंज हुआ, अब इसके ब्रेक को अप्लाई करते जाते हैं। ये देखिए जब तक बबल्स इसके नहीं निकल जाते हैं तब तक ब्रेकिंग हमारा प्रॉपर नहीं होगा। तो ये देख पा रहे हैं बबल्स इसके अंदर से निकल रहा है, तो चलिए इसको हम अप्लाई करते रहते हैं और बबल्स को निकालते हैं। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से ईयर का फ्लो हम निकालेंगे, पहला स्टेप हमारा ये होता है थोड़ा सा ईयर निकालना। तो देख पा रहे हैं वहाँ तक ऑयल पहुँच गया है। तो मैकेनिक दोस्तों देख पा रहे हैं काफ़ी प्रोसेस और काफ़ी मशक्कत के बाद यहाँ से भी ऑयल का प्रेशर दिए, यहाँ से भी और इसके इस वाले लाइन से भी, और आप देखिए ब्रेकिंग कितना कम्फर्टेबल है। तो यही होता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है लेकिन कम्प्लीट ब्रेकिंग का प्रॉब्लम सोल्यूशन निकल आता। ये देख पा रहे हैं कंप्लीट हमारा ब्रेकिंग एकदम प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आया। अब इसमें क्या करेंगे, रात भर मतलब फुल नाइट इसमें क्या करेंगे, एक बांध के रख देंगे ये जो होता है कपड़ा या रस्सी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रूफ देखिए यार BS6 की गाड़ी है, रिले वगैरह कंप्लीट लगे हैं, तो यही सिर्फ कंप्लीट स्टेप यूज कीजिएगा और प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आएगा। चलिए फिर मिलेंगे कोई अच्छी सी नेक्स्ट में अच्छी सी टॉपिक लेकर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्रेकिंग एकदम कम्फर्टेबल है, फ्लो देखिए, फ्लो ये देखिए फ्लो कम्प्लीट, फ्लो इसका मास्टर सिलेंडर का एकदम क्लियर हो चुका है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।